Hello students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4. Subject is SS. We are discussing chapter number 2 from semester number 2 and the chapter's name is Our Industries. And this is my session number 3 for this chapter. So kids, इससे पहले के सेशन में हमने क्या पढ़ा था एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. वी डिस्कस रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल दैट दे यूज एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री. तो क्या आपको याद है कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? याद है? यस. बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज है? 3 टाइप्स. एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूज करते हैं रॉ मटेरियल की तरह, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. देन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो मिनरल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं उन इंडस्ट्री को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है. एंड थर्ड वन इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं उन्हें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है. देन डिपेंडिंग ऑन द साइज भी 3 टाइप्स है इंडस्ट्रीज की. कॉटेज इंडस्ट्री, जो बहुत छोटी होती है, घर पर ही होती है, वर्कर्स कम होते हैं, मशीन्स नहीं होती है इसमें, छोटे टूल्स को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े बहुत वर्कर्स ज्यादा होते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज से मुकाबले, इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वर्कर्स ज्यादा होते हैं और छोटे छोटे मशीन का भी यूज किया जाता है. तो ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब है जहां पर बहुत लोग काम करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर. देन बड़े बड़े मशीन लगाए जाते हैं और उन मशीन में से जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनकर रेडी होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं. तो इन चीजों के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया था. आज के सेशन में सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है. ओके, सो लिसन केयरफुली. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे पहले है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल मतलब कॉटन का कपड़ा, इसकी इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब कॉटन के कपड़े बनाने में जो सबसे ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया है. इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. लीडिंग मतलब सबसे आगे लीड कर रही है इंडिया कॉटन के टेक्सटाइल बनाने में. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बतूर, कानपुर एंड कोलकाता. तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में कहां कहां पर सेटअप है? यह है मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बतूर, कानपुर एंड कोलकाता. इन जगहों पर इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का सेटअप है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की एक लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री मानी जाती है. नेक्स्ट, वी यूज मेनी थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील इन अवर डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में आयरन या स्टील से बनी हुई बहुत सारी चीजें यूज करते हैं. आयरन से बनी हुई आपकी बेंचेस होती है, करेक्ट? आपके दरवाजे के नॉब्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आयरन से बनी हुई. स्टील से बनी हुई अगर आप देखो तो आपके पास शायद स्टील की स्केल होगी. मम्मी जो घर पर यूज करती है वेसल्स, यूटेंसिल्स, ये स्टील से बने होते हैं. तो आयरन एंड स्टील से बनी हुई बहुत सारी चीजें हैं जो आप पूरे दिन आप यूज करते रहते हो. शायद आपको इनमें से कुछ चीजों के अलग भी नाम पता हो.
So, iron and steel plants are located in areas where the raw materials coal and iron ore are found. तो ये iron या steel का plant जो है, plant मतलब factory, वो कहां पर लगा सकते हैं? जहां पर कोल या आयरन और इजीली मिल सके, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्टेशन में लेकर आना बहुत हेक्टिक हो जाता है. आयरन और कोल ये इनके रॉ मटेरियल होते हैं. आयरन इन स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है कोल या तो आयरन ओर. तो कोल और आयरन ओर जहां पर इजीली अवेलेबल हो उसी जगह पर आप आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगा सकते हो. जहां पर एप्पल इजीली अवेलेबल है वहां पर एप्पल जूस की इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगा सकते हो. उसी तरह आयरन ओर या कोल जहां पर इजीली अवेलेबल है वहां पर आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री इजीली सेटअप हो सकती है. सम ऑफ द मेन सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर. अब ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में सबसे मेन सेंटर कहां कहां पर लोकेटेड है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इट इज जमशेदपुर, भिलाई एंड विशाखापट्टनम. जमशेदपुर में, भिलाई में और विशाखापट्टनम, इन सारी जगहों पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं. इट इज बट ऑब्वियस अगर यहां पर लोकेटेड है मतलब यहां पर कोल और आयरन ओर इजीली अवेलेबल होगा, इसीलिए यहां पर लोकेटेड है. इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री विच सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्री. ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि ये लोग सिर्फ आयरन या स्टील बनाते हैं. फिर ये आयरन और स्टील बाकी के अदर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है इनसे, क्योंकि आयरन और स्टील सिर्फ बनाते हैं, बड़े बड़े उनकी शीट्स बना देते हैं, बड़ी आयरन की शीट या बड़ी स्टील की शीट, फिर इनको दूसरे इंडस्ट्री में ट्रांसफर करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टील की मैंने बड़ी बड़ी शीट्स बना दी तो ये शीट्स तो किसी काम की नहीं होती है जनरली, मगर इन शीट्स को बनाने का काम मैं करती हूँ अपनी इंडस्ट्री में. अगर कोई और है तो वो शायद अपनी इंडस्ट्री में मेरे स्टील को रॉ मटेरियल की तरह खरीदेगा और फिर उस स्टील की शीट में से उन्हें शेप देके अलग अलग वेसल्स यूटेंसिल्स बनाएगा, करेक्ट? तो तब क्या होगा, ये मेरा जो बनाया हुआ स्टील है वो रॉ मटेरियल बन जाएगा उसकी इंडस्ट्री के लिए. तो इट इज द बेसिक इंडस्ट्री मींस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री विच सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज, जो बहुत दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है. नेक्स्ट, द मेन सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आर. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब जहां पर गाड़ियां बनती है. अभी तक हमने पढ़ा कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, अब आया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. तो इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब गाड़ियां जहां पर बनती हैं. आप कहोगे कि गैरेज में, अरे गैरेज में तो रिपेयर होती है, मगर मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है उसे कहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनती है गाड़ियां. तो ये कहां पर इंडिया में सेटअप है? इट इज इन गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जमशेदपुर एंड नासिक. वंस अगेन रिपीट कर देती हूं, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जमशेदपुर एंड नासिक. इन जगहों पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, मतलब के इन जगहों पर ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां बनती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती है, क्लियर? नेक्स्ट, तो अभी तक हमने कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. जो इलेक्ट्रिक से बनी हुई चीजें हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहा जाता है.
things such as television, computer, calculator, radio, जो electricity से चलते हैं, इन चीजों को electronic goods कहा जाता है. Electronic goods industry are based mainly in Bengaluru, Mumbai, Chennai and Hyderabad. Once again, let me repeat. Electronic goods industry are based mainly in Bengaluru, Mumbai, Chennai and Hyderabad. तो इन जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब के टीवी है, कैलकुलेटर है, फिर आपके रेडियो है, कंप्यूटर है, इनको पूरा बनाने का जो इंडस्ट्री है वो इन जगहों पर लोकेटेड है. तो आपके घर में अगर टीवी है या कंप्यूटर है तो वो हो सकता है शायद यहाँ से कहीं मैन्युफैक्चर हुआ हो. कहाँ से? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. नेक्स्ट है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. तो हमने ऑलरेडी कॉटन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड इंडस्ट्री, इनके बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री मतलब के जहां पर शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जाती है. तो मेन सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आर कहां पर शिप्स बनाई जाती है? इंडिया में. याद रखिए ये हम सिर्फ हमारे कंट्री के बारे में ही इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. इट इज रिगार्डिंग अवर इंडस्ट्रीज मतलब हमारे कंट्री की इंडस्ट्रीज है ये. तो ये है विशाखापट्टनम, कोची, पणजी एंड मुंबई. तो शिप बिल्डिंग कहाँ कहाँ पर है? देखिए जहां पर शिप्स को आसानी से वॉटर के अंदर उतारा जा सके उन जगहों पर ही ये शिप बिल्डिंग होगा, क्योंकि वॉटर से जितनी दूर इन्हें कंस्ट्रक्ट या लोकेट किया जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा खर्चा आएगा. इसीलिए वॉटर बॉडीज जहां पर है, ओशियन सी ज्यादा है, उनके नजदीक ही इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को जो है सेटअप किया जाता है उनका सेटअप, ताकि आसानी से उन्हें पानी में उतारा जा सके. तो उनमें से एक है विशाखापट्टनम, ये कोस्टल एरिया है. कोची, देन पणजी, पणजी गोवा में है, एंड मुंबई, ये सारे दरिया के किनारे वाले ही सिटीज है. मुंबई में तो आप बहुत सारे लोग गए भी होंगे, जुहू चौपाटी गए हो ना, मजा आता है, करेक्ट? तो इन जगहों पर ये लोकेटेड है. नेक्स्ट, द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री दैट मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर, पंप, क्रेन, टेलीफोन एंड अदर मशीन्स आर लोकेटेड इन प्लेसेस सच एज मुंबई, गुड़गांव, बेंगलुरु एंड हैदराबाद. तो अब है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. जो इंजीनियर जहां पर काम करते हैं, क्या काम करते हैं वो लोग, क्या बनाते हैं? वो ट्रैक्टर्स बनाते हैं जो आप फील्ड में, खेतर में, खेती में यूज करते हो ट्रैक्टर. तो वो ट्रैक्टर बनाने का काम, पंप मतलब क्या? पानी निकालने के लिए, जमीन के अंदर से पानी निकालने के लिए, या तो नीचे के टैंक से ऊपर के टैंक में पानी चढ़ाने के लिए, जो हैंड पंप या पंप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पंप्स, तो वो पंप बनाने का काम जहां पर होता है. फिर क्रेन, बड़े बड़े बिल्डिंग जहां पर बनते हैं वहां पर आपने क्रेन्स देखे होंगे. टेलीफोन्स, ये सारी चीजें जहां पर बनती है उन्हें इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज. तो ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कहां पर लोकेटेड है? मुंबई, गुड़गांव, बेंगलुरु एंड हैदराबाद. तो अब तक हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया है डिटेल में, कहां पर लोकेटेड है. कॉटन इंडस्ट्री मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बतूर, कानपुर, कोलकाता में लोकेटेड है.
iron and steel industry Jamshedpur, Bhilai and Vishakhapatnam mein located hai. Fifth, automobile industry Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Jamshedpur and Nashik mein located hai. Electronic goods item jo hai wo Bengaluru, Mumbai, Chennai and Hyderabad mein located hai. Then shipbuilding industry Vishakhapatnam, Kochi, Panaji and Mumbai mein hai. Then engineering industry it is in Mumbai, Gurgaon, Bengaluru and Hyderabad. To in jagahon par ye sari industries India mein located hai. आप सोच सकते हो कि इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, कितना फेमस कंट्री है और इंडिया में कितनी चीजें बनती है, कितनी टाइप्स की इंडस्ट्रीज है. सो नाउ डू यू फील प्राउड अबाउट योर कंट्री? अपनी कंट्री के बारे में प्राउड फील कर रहे हो ना कि अरे मेरी कंट्री में तो इतनी सारी चीजें बनती है और इतनी सारी जगहों पर भी बनती है. सिर्फ एक या दो जगह नहीं है, कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है जो 5-6 जगहों पर बनती है. करेक्ट? So now you must be proud of your country. Some other important industries in India are those which produce paper, sugar, cement, jute, fertilizer, aircraft and glass. In industry ke alawa bhi aur industries hai India mein, jaise ki paper banane ki industry. आप नोटबुक्स लेते हो, टेक्स्टबुक्स लेते हो तो ये सारा पेपर वर्क है, पेपर के ऊपर है तो ये पेपर की इंडस्ट्री है. शुगर इंडस्ट्री मतलब शक्कर खांड जिसको गुजराती में कहते हैं, तो ये शुगर की इंडस्ट्री है. सीमेंट बनाने की इंडस्ट्रीज है. फिर जूट इंडस्ट्री है. फिर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर मतलब आप जो फार्म्स में अपने क्रॉप्स में दवाई छिड़कते हो उसे फर्टिलाइजर कहा जाता है, तो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है. देन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जहां पर एरोप्लेन्स को बनाया जाता है वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है. एंड ग्लास इंडस्ट्री ये भी इंडिया में है. यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में छोटा सा मैप दिया है, सी एम शेरी का पिक्चर विद यू. अब इस मैप में जो लेजेंड या की मतलब के जो साइड में एक बॉक्स दिया है उस बॉक्स में अलग अलग सिंबल है. इन सिंबल्स को आप मैप के अंदर भी देख सकते हो. करेक्ट? मैप के अंदर भी ये सिंबल है. तो ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो छोटे बॉक्स में है वो कार का सिंबल है, उसके आगे लिखा है ऑटोमोबाइल्स. इसका मतलब है जहां जहां पर इंडिया के मैप में कार का सिंबल आपको दिखे वहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है. देन यू कैन सी अ स्टार, एक स्टार जैसा दिखेगा, छोटा सा स्टार या फ्लावर जैसा, वो क्या है? अब उस साइन को आप जहां पर भी मैप में देखोगे वहां पर यू कैन जस्ट फील के यहां पर कॉटन इंडस्ट्री है. कॉटन इंडस्ट्री वहां पर कॉटन इंडस्ट्री लोकेटेड है. फिर देर इज अ सर्कल, छोटा सा एक सर्कल है. तो मैप में जहां कहीं भी ये सर्कल दिखे वहां पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्री. देन यू कैन सी अ ब्राउन स्टार, ब्राउन कलर का स्टार. तो मैप में जहां जहां ब्राउन स्टार होगा वहां इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है. देन अ रेड सर्कल, रेड रिंग है. तो वो रेड रिंग मैप में जहां कहीं भी है वहां ऑयल रिफाइनरीज है, तेल को प्योरीफाई करने की जो इंडस्ट्री है वो. करेक्ट? देन लास्टली एक शिप का छोटा सा सिंबल दिया है. तो उसका मतलब क्या है कि मैप में जहां भी ये सिंबल आपको शिप वाला दिखे वहां पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है. कैन यू सी दैट? ओके. नाउ इंडस्ट्रीज आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस एंड मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल. ये इंडस्ट्रीज हमें बहुत हेल्पफुल है क्योंकि वो हमारे लाइफ को कंफर्टेबल एंड इजी बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मिक्सर नहीं होता तो जूस बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, चटनी बनाना डिफिकल्ट हो जाता है. करेक्ट?
अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में टेलीफोन नहीं बनाते हैं तो किसी के साथ कम्युनिकेट करना, कॉन्टेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। हाउएवर मेनी ऑफ देम ऑल्सो पोल्यूट एयर एंड वॉटर, बट इनमें से कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी है जिनसे हमारा वॉटर और हमारी एयर, ये दोनों चीजें पोल्यूट हो रही है, मतलब के खराब हो रही है। कैसे खराब हो रही है? मेनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव अडॉप्टेड क्लीनर मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन बाय यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर। मगर ये जो इंडस्ट्रीज है उनमें से जो खराब पानी निकलता है या खराब गैस निकलती है उससे एयर पोल्यूशन एंड वॉटर पोल्यूशन होता है। इसीलिए कुछ कंट्रीज ने अब अपनी इंडस्ट्रीज को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब के पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उससे उनके मशीन चलते हैं, या तो फिर विंड पावर, विंड मिल्स में से जो पावर जनरेट होता है उससे वो लोग अपने टूल्स, अपने मशीन्स को चलाना स्टार्ट किया है ताकि एयर पोल्यूशन या वॉटर पोल्यूशन ना हो। इंडियन इंडस्ट्री इज मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट टू कीप पेस विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ध्यान रख रही है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहे हैं वो उनके साथ खुद भी डेवलप हो और उसी हिसाब से अपने इंडस्ट्रीज को भी अपग्रेड करें, क्योंकि पुराने मशीन्स, पुराने तरीके अगर यूज करते रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो डेवलपमेंट इज जरूरी, आगे बढ़ना जरूरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करना जरूरी है। एंड हैज एमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड स्पेस रिसर्च। और ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करते करते, साइंस को डेवलप करते करते इंडिया आज सबसे आगे है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एंड स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च मतलब जो आकाश में, स्पेस में जाके रिसर्च किया जाता है चंद्र के ऊपर या मार्स के ऊपर, तो इन सारी चीजों में इंडिया सबसे आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो डेवलप हो रहा है। टेक्नोलॉजी अपने आप को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। तो इंडिया में रहना एक बहुत प्राउड फील करने जैसी बात है। तो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा फैक्टर्स नीडेड इंडस्ट्रीज, इनमें है रॉ मटेरियल, मशीन, पावर, लेबर, मनी, ट्रांसपोर्ट। देन वी लर्न रिगार्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एंड वी ऑल्सो लर्न रिगार्डिंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो हियर आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्लियर? बट आप इससे पहले इस चैप्टर को कंप्लीटली रीड कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप स्कूल के नंबर पे, क्लियर? तो मैं इस सेशन के साथ एक पीडीएफ भेज रही हूँ विच इज वर्कशीट बेस्ड। द आंसर्स आर गिवन इन द ब्रैकेट, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्लीट योर वर्क, ओके किड्स? सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।